फेयर ऑफ एल्यूमिनियम 0.047 केजी इज प्लेस्ड फॉर सफिशेंट टाइम इन अ वेसल कंटेनिंग बॉइलिंग वाटर। तो एल्यूमिनियम को गर्म पानी में डाल दिया ताकि फेयर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो इन शॉर्ट एल्यूमिनियम हमने लिया, उस एल्यूमिनियम का टेम्परेचर, एल्यूमिनियम का मास भी मुझे गिवन है इसमें, तो एल्यूमिनियम का मास मुझे गिवन है कितना है, 0.047 केजी है, और एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो पानी का इसमें कोई रोल नहीं है, बस ये बताना चाहता है कि एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अब वो कह रहे हैं इट इज देन इमर्स्ड इमीडिएटली, इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर्ड टू 0.14 केजी कॉपर कैलोरीमीटर कंटेनिंग 0.25 केजी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो एक कॉपर गिवन है और अंदर पानी गिवन है, वाटर गिवन है, और दोनों का टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। इस फेयर को उठा के एल्यूमिनियम के इसमें डाल दिया, तो एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 100 डिग्री से कम होगा और पानी और कैलोरीमीटर का 20 डिग्री से बढ़ेगा। और वो क्या कह रहे हैं कि स्टेडी स्टेट रीच हो जाती है, स्टेडी स्टेट का मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर दोनों का मेंटेन हो जाता है, और कितना होता है, टेम्परेचर हो जाता है इसमें 23 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना हो गया, 23 डिग्री सेल्सियस, मतलब एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 100 से 23 हुआ, कॉपर और वाटर का टेम्परेचर 20 से 23 हुआ। एल्यूमिनियम ने हीट को लूज किया और कॉपर और वाटर ने हीट को गेन किया। कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल ये लगेगा इसमें, आपको पूरे प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम निकालनी है, क्या होगी ये क्वेश्चन है, ठीक, कॉपर की गिवन है। तो रूल वही है, स्टेडी स्टेट पे एल्यूमिनियम का टेम्परेचर 100 से 23 हुआ, कॉपर का 20 से 23 हुआ, और कैलोरीमेट्री का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं, हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम आएगा, कॉपर नहीं, हीट लॉस्ट बाय, करेक्शन करो, यहां पर हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम करो, हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम स्फीयर, एल्यूमिनियम स्फीयर इज इक्वल टू हीट गेन बाय कॉपर कैलोरीमीटर एंड वाटर। तो हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम क्या होगा, टेम्परेचर एमसी डेल्टा टी लगाए, मास ऑफ एल्यूमिनियम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, और चेंज ऑफ टेम्परेचर में नॉर्मली कई लोग कहते हैं सर फाइनल में से इनिशियल माइनस करो, यानी कि 23 फाइनल है, 100 इनिशियल है, पर फिर हीट नेगेटिव आएगी, नेगेटिव मतलब हीट लॉस्ट है, पर ऑलरेडी मैंने हीट लॉस्ट लिखा हुआ है, तो मैं बड़े में से छोटा ही माइनस करूंगा ताकि मैं हीट के अंदर चक्कर डालूंगा नहीं माइनस का, तो इतनी हीट लॉस मैंने लिख दिया, तो मैग्नीट्यूड निकाल लो इतनी हीट लॉस्ट है। कॉपर के लिए मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, कॉपर का टेम्परेचर पता है मुझे इंक्रीज हो गया, फिर वाटर के लिए भी मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और टेम्परेचर मुझे पता है वाटर का भी इंक्रीज हो गया। इस क्वेश्चन में वाटर की जो मास ऑफ एल्यूमिनियम पता है ये मुझे निकालना है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम ये पता है, मास ऑफ कॉपर पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर भी पता है, टेम्परेचर भी पता है, ये भी पता है, मास ऑफ वाटर पता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मैंने कहा था याद कर लो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या केल्विन की बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कॉपर की जो यूनिट्स हैं वो कैलोरी पर ग्राम नहीं है, वो जूल पर केजी है। देखो इक्वेशन जब बनती है ना, या तो सारा कुछ कैलोरी पर ग्राम रखो या जूल पर केजी रखो, एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए। अब क्योंकि मैं ये यूज कर चुका हूँ जूल पर केजी, तो मैं वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम है, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है 4.2 से मल्टीप्लाई, और ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया 4200 आएगा। तो याद रखना पानी की स्पेसिफिक हीट सीजीएस में क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम में 1, और जूल पर केजी में याद रखना 4200 है, ये गिवन नहीं होगी, याद करनी है। तो सीधा 4200 पुट करो और आपको क्या निकालनी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, बड़ी कैलकुलेशन से आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या मेथड है इसका, कोई डाउट इसमें?